हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। एक बार एक मित्र ने एक व्यक्ति को भगवद गीता दी, तो उस व्यक्ति ने बोला कि नहीं, मैं भगवद गीता नहीं लूँगा, क्योंकि भगवद गीता युद्ध करना सिखाती है। अगर मैं इस गीता को अपने घर में रखूँगा तो क्या होगा, मेरे घर में भी लड़ाइयाँ होंगी, युद्ध होगा, तो इसी कारण से मैं भगवद गीता को नहीं रखना चाहता। तो आज हम चर्चा करेंगे कि भगवद गीता क्या सिखाती है। क्या वो युद्ध करना सिखाती है? नहीं। भगवत गीता को रखने से हमारे घर में युद्ध होगा, लड़ाई होंगी? जैसे कि बिना गीता को रखे हुए हमारे घर में बहुत शांति है, आज तक कुछ नहीं हुआ। तो गीता ऐसा नहीं सिखाती। गीता वास्तव में शांति का एक ग्रंथ है, कि शांति पूर्वक, एक कुशलता पूर्वक, एक प्रसन्नता पूर्वक कैसे जीवन जिया जाए, है ना, इस संसार की समस्याओं से, इन संसार की दुविधाओं से कैसे बाहर निकला जाए, वो हमें गीता के द्वारा सिखाया जाता है। जिस प्रकार अर्जुन जब युद्ध में जाते हैं और युद्ध में दोनों सेनाओं के बीच में खड़े होते हैं, और जो विपरीत पक्ष में जो लोग खड़े हुए हैं, उनके पितामह हैं, गुरुजन हैं, भाई बंधु हैं, उनको जब देखते हैं, तो उनके मन में प्रश्न आता है कि मैं युद्ध क्यों करूं, मैं युद्ध नहीं करना चाहता, मेरे अंदर क्या है, डाउट्स आ रहे हैं कि मैं युद्ध करूं या ना करूं। बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो बताते हैं कि मुझे युद्ध ना करना चाहिए, और कुछ मेरे पास ऐसे कारण हैं जो बताते हैं कि मुझे युद्ध करना चाहिए, तो मैं कंफ्यूज हूं। तो जिस प्रकार अर्जुन दुविधा में हैं कि उनकी समझ में नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना है, और उनका मन बहुत परेशान कर रहा है, उनको अपने सिम्टम्स बता रहे हैं कि मैं भूल चुका हूँ पूरा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, अपने धनुष को उतार के रख दिया कि मैं पागल हो रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे, इतनी दुविधा में, परेशानी में अर्जुन यहाँ पर है। और इस परिस्थिति में क्या करते हैं अर्जुन, भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करते हैं, उनको गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं, और फिर भगवान क्या करते हैं, पूरी भगवद गीता का ज्ञान अर्जुन को देते हैं। और उस ज्ञान को प्राप्त करके अर्जुन का क्या होता है, पूरा जो मोह था जो नष्ट हो जाता है, सारी दुविधाएं थी वो नष्ट हो जाता है। अभी अर्जुन उसके बाद क्लियरली देख पा रहे हैं, अर्जुन कहते हैं कि भगवान मेरा मोह सारा नष्ट हो चुका है, और मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ, बिल्कुल स्पष्ट रूप से मेरी समझ में आ गया है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, अब आप जो बोलोगे मैं वही करूंगा। तो ये वो भगवत्ता सिखाती है हमको कि संसार की दुविधाओं से जैसे अर्जुन निकल पाए, हम भी इन दुविधाओं से बाहर कैसे आ सकते हैं। हम भी किसी न किसी दुविधा में हमेशा फंसे रहते हैं, मैं ये कार्य करूं या ना करूं, स्कूल जाऊं या ना जाऊं, ये नौकरी के लिए अप्लाई करूं या इस नौकरी के लिए अप्लाई करूं, इस व्यक्ति से शादी करूं नहीं उस व्यक्ति से शादी करूं, ये वाला लैपटॉप लेना है या वो वाला लैपटॉप लेना है, घूमने के लिए यहां जाऊं किस स्थान पर जाऊं। तो हमेशा हम इन दुविधाओं में फंसे रहते हैं, क्लियरिटी नहीं रहती, ज्ञान का अभाव है, बहुत सारे से प्रश्न हैं जो हमारे मन को हमेशा परेशान करते रहते हैं, जिनका हमें उत्तर नहीं मिल पाता, और दुविधाएं हमेशा परेशान करती हैं हमको। तो अगर हमारे जीवन में भी इन दुविधाओं से, इन समस्याओं से, इन प्रश्नों का उत्तर अगर हम जानना चाहते हैं, तो जिस प्रकार अर्जुन ने कृष्ण का सहारा लिया, कृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकार किया, और उनकी सारी समस्याएं, सारी दुविधाएं खत्म हो गईं, उन दुविधाओं से, समस्याओं से बाहर आ गए अर्जुन, तो अगर हम भी इन समस्याओं से, इन दुविधाओं से, जीवन की समस्याओं से, दुविधाओं से बाहर निकलना चाहते हैं, तो हमें भी जो भगवान के द्वारा दिया गया संदेश है, उस गीता का सहारा लेना पड़ेगा, तब हमारे जीवन में शांति आएगी, खुशीपन आएगा, प्रसन्नता आएगी, खुशहाली आएगी। अगर हम भगवद गीता को सुनेंगे और सुनने के बाद उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारेंगे, तो हम भी जिस प्रकार अर्जुन उन चीजों से बाहर निकल पाए, हम भी उन चीजों से बाहर निकल पाएंगे। तो गीता कोई युद्ध करना नहीं सिखाती, ये अहिंसा, कैसे शांतिपूर्वक हम इस संसार में रह सकते हैं, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या ना करके, एक दूसरे के प्रति लड़ाई ना करके,
तो युद्ध के मैदान में बोली गई इसका मतलब ये नहीं है कि वो युद्ध ही सिखाती है। तो इसीलिए ये गलत धारणा है कि हम भगवद गीता को अपने घरों में रखेंगे तो युद्ध होगा, अशांति फैल जाएगी, महाभारत का युद्ध हमारे घर में ही हो जाएगा भाई भाई में, तो ऐसा नहीं होगा। तो उस युद्ध की नीड थी क्योंकि भगवान धर्म की स्थापना करना चाहते थे, कुछ ऐसे तत्व जो अधर्म का पालन कर रहे थे तो उन अधर्मियों का विनाश करना निश्चित था, जरूरी था, जिससे कि धर्म की स्थापना फिर से हो सके और सभी लोग, जनता जो सोसाइटी है, समाज है, शांतिपूर्वक बर्ताव कर सके, शांतिपूर्वक रह सके, उनके जीवन में खुशी आए, तो ये उसका प्रयोजन था। तो भगवद गीता हमें सिखाती है कैसे शांतिपूर्वक इस संसार में बिना दुविधाओं से प्रभावित हुए, बिना समस्याओं के हम इस जीवन में, इस संसार में जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो ये गीता के द्वारा हमें सिखाया जाता है। क्या सिखाया जाता है कि इन समस्याओं से, इन जगत की दुविधाओं से जैसे अर्जुन निकल पाए कृष्ण का सहारा लेकर, कृष्ण को गुरु रूप में स्वीकार करके, उसी प्रकार हम भी कृष्ण के द्वारा जो संदेश दिया गया है, उन संदेशों को, उन शिक्षाओं को अगर अपने जीवन में उतारते हैं, ध्यानपूर्वक सुनते हैं उनको और किसी ऐसी अथॉरिटी से पढ़ते हैं, और अगर उन शिक्षाओं को हमने अपने जीवन में उतार लिया, पालन कर लिया, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में भी शांति आ जाएगी, हमारे जीवन भी क्या है, खुशहाल हो जाएगा। तो ये भगवद गीता के द्वारा सिखाया जाता है। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा डीटीएच ऑपरेटर से संपर्क करें, तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666-839-839।